नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला ये है बिहार का पहला जिला। यूनिवर्सिटीज दिन तक दे सकते हैं रिसर्चर्स की लिस्ट। विद्यार्थियों के खाते में अब किताब के बदले नहीं मिलेंगे पैसे। UIDAI ने लोगों से किया आधार कार्ड अपडेट कराने का आग्रह। पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट कप्तान का बड़ा बयान, भारतीय गेंदबाजों के पास पेस ही नहीं था। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला यह है बिहार का पहला जिला। देश के साथ साथ बिहार भी डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इसमें भी रिकॉर्ड कायम किया है बिहार के जहानाबाद जिला ने। आपको बता दें कि जहानाबाद जिला बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है और जल्द ही अरवल और शेखपुरा 100% डिजिटल बैंकिंग वाले जिला बनने वाला है। आपको बताते चले कि जहानाबाद जिले में कुल 10,35,126 सक्रिय खाता धारकों में से 10,31,235 के पास कम से कम एक डिजिटल बैंकिंग उत्पाद यानी कि इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, UPI या इसी तरह की दूसरी सुविधाएं हैं। मालूम हो कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कम एक जिला को 100% डिजिटल बैंकिंग सेवा वाला जिला बनाने का निर्णय लिया था। इसी के तहत बिहार के जहानाबाद जिला का चयन किया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अशोक कुमार की। भागलपुर शहर के आदमपुर मोहल्ले में जन्मे मशहूर अभिनेता अशोक कुमार एक मध्यम वर्गीय बंगाली फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इनका जन्म बिहार के भागलपुर में 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। अशोक कुमार अपने जमाने में हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े और प्रसिद्ध अभिनेता थे। 90 साल की उम्र में 10 दिसंबर 2001 को हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1936 में आई फिल्म जीवन नैया से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद अशोक कुमार ने बहुत सारे फिल्मों में काम किया और अच्छा नाम कमाया। कला और अभिनय की दुनिया में इनको कई सारे पुरस्कार और सम्मान भी मिले। अशोक को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट सहयोग के लिए 1988 में हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। यूनिवर्सिटी इस दिन तक दे सकते हैं रिसर्चर्स की लिस्ट। बिहार की यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स के लिए फेलोशिप की राशि बढ़ा दी गई है। सरकार की इस व्यवस्था के बाद रिसर्चर्स को हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे। सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर रिसर्चर्स की लिस्ट मांगी है, जिसकी अंतिम तारीख 14 अक्टूबर को है। इसके अलावा बता दें कि लिस्ट के साथ इस फेलोशिप की नियमावली भी विश्वविद्यालयों को भेजी गई है। साथ ही विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले PhD के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर चुके सफल छात्रों की लिस्ट समेत अन्य डाटा उपलब्ध कराने बाकी है। बता दें कि UGC क्वालिफाइड छात्रों को ही रिसर्च के लिए राशि देती है। इस योजना का लाभ पाने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इस दिन खुलेगा पर्यटकों के लिए VTR। VTR के जंगलों में आप 1 नवंबर से फिर से घूम सकते हैं और जंगली जानवरों का दीदार कर सकते हैं। VTR में छुट्टियां बिताने का सोच रहे लोगों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। इस दौरान पर्यटक जंगल सफारी और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही फॉरेस्ट हाउस में भी रह सकते हैं। बता दें कि हर वर्ष रिजर्व को 15 जून से 15 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया जाता है। आमतौर पर 15 अक्टूबर के बाद VTR पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन मॉनसून की लगातार बारिश के कारण इस वर्ष पार्क को देरी से खोला जा रहा है। जगदीशपुर किला इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है जगदीशपुर का किला। जगदीशपुर किला बिहार के भोजपुर जिले में स्थित है। किला प्राचीन होने के साथ साथ ऐतिहासिक भी है और इसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह का निवास स्थान माना जाता है। यह 1-2 मंजिला विशाल इमारत है और सामने की ओर 2 बड़े टैंक हैं। मुख्य भवन के सामने बाबू वीर कुंवर सिंह की एक बड़ी मूर्ति स्थापित है। इस किले का परिसर विशाल है और निश्चित रूप से आरा भोजपुर का दर्शनीय स्थल है।
अक्षरा सिंह ने साइन की 3 महिला प्रधान फिल्में। भोजपुरी की सबसे डिमांडिंग एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अब वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स की 3 महत्वपूर्ण फिल्मों में नजर आएंगी। ये तीनों फिल्में महिला प्रधान कहानी पर आधारित होंगी, जिसकी मुख्य भूमिका में अक्षरा सिंह होंगी। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के प्रमुख रत्नाकर कुमार ने उन्हें अपने तीनों महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है। इसकी जानकारी अक्षरा सिंह ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रत्नाकर कुमार के साथ एक फोटो शेयर करते हुए दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कमिंग सून विद एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स। ये फोटो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के दफ्तर में ली हुई मालूम पड़ती है, जहाँ वे रत्नाकर कुमार के साथ विक्ट्री साइन के साथ दिखाई दे रही हैं। UIDAI ने लोगों से किया आधार कार्ड अपडेट कराने का आग्रह। अगर आपको अपना आधार कार्ड बनवाए 10 साल या अधिक का समय हो गया है तो उसे अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड जारी करने वाली UIDAI ने लोगों से यह आग्रह किया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपने जारी एक बयान में कहा कि सूचनाएँ अद्यतन करने का काम ऑनलाइन या आधार केंद्रों पर जाकर दोनों तरीके से किया जा सकता है। हालांकि उसने इसे अनिवार्य नहीं बताया है। उसने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था एवं उसके बाद इन सालों में कभी अपडेट नहीं करवाया, ऐसे आधार नंबर धारकों से दस्तावेज अपडेट करवाने का आग्रह किया जाता है। यह बिल्कुल निःशुल्क है। अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाओं का करवा चौथ व्रत आज। सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए आज करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। करवा चौथ से एक दिन पहले बाजार में काफ़ी चहल पहल देखने को मिली। मालूम हो कि करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। विवाहिताएँ इस दिन निर्जला व्रत रखकर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। साथ ही कुंवारी लड़कियाँ भी मनचाहा वर पाने की कामना के साथ यह व्रत रखती हैं। करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही पूजा संपूर्ण होती है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को रात 7:43 में कृतिका नक्षत्र समाप्त होगा और इसके बाद रोहिणी नक्षत्र आएगा। रात 7:53 के बाद चंद्रोदय के साथ व्रती महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न कर सकती हैं। बाघ के बाद अब लोगों में गीदड़ का आतंक। VTR के जंगल वाले बाघ ने आसपास के इलाकों में जिस तरह से आतंक मचाया और लोगों की जान ली, जिसके बाद ना चाहते हुए भी वन विभाग को बाघ को मारने का आदेश देना पड़ा, ठीक उसी तरह अब बिहार के लखीसराय और दरभंगा जिले में गीदड़ ने आतंक मचाया है और अभी तक दर्जन भर लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है। जानकारी के मुताबिक लखीसराय जिले में पिछले 5 दिनों में करीब दर्जन भर लोगों को गीदड़ ने अपना शिकार बनाया है। कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दरभंगा जिले में गीदड़ के काटने से अब तक कई लोग व पशु घायल हो चुके हैं। विद्यार्थियों के खाते में अब किताब के बदले नहीं मिलेंगे पैसे। बिहार के सरकारी विद्यालय में अब किताबों के लिए पैसे नहीं मिलेंगे बल्कि किताब ही मिलेंगे। इसकी शुरुआत नए सत्र में की जाएगी। अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा कानून के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को एक बार फिर से राज्य सरकार निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराएगी। शिक्षा विभाग ने बच्चों तक पाठ्य पुस्तक पहुँचाने की पुरानी व्यवस्था पर गंभीरता से काम शुरू कर दिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर प्रकाशक चयन का टेंडर कर दिया जाएगा और इसी के साथ शिक्षा विभाग नए सत्र में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों के तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चों को मुफ्त किताब देगा। दिल्ली से बिहार के लिए चलेगी एक और स्पेशल ट्रेन। अगर आप दिल्ली में हैं और आपको दिवाली और छठ जैसे त्योहारों में बिहार की ओर रुख करना है तो यह खबर आपके लिए अहम हो सकती है। आपको बता दें कि भारतीय रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दुर्गा पूजा से पहले से ही पूजा स्पेशल ट्रेन चला रही है, लेकिन फिर भी अभी के समय में भी सभी ट्रेनों में सीटें फुल हैं और लंबी वेटिंग चल रही है। ऐसे में इसके अतिरिक्त भारतीय रेल ने दिल्ली से भागलपुर के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन 04036 या 04035 दिल्ली भागलपुर दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में एक एक ट्रिप लगाएगी। यह ट्रेन 28 अक्टूबर को सुबह 9 बजे दिल्ली से खुलेगी और दूसरी सुबह 7 बजे भागलपुर पहुंचेगी। उद्यमी कारोबारियों के यहां से मिली टैक्स में करोड़ों की गड़बड़ी। बिहार में CGST के कमिश्नर यशोवर्धन पाठक के दिशा निर्देश पर पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सेंट्रल टीम सहित विभाग के 20 समूह ने राज्य भर में बड़े छोटे और स्मॉल इंडस्ट्री आदि के यहां सर्वे कराया था। सर्वे के बाद करीब 44 उद्यमी कारोबारियों के यहाँ से करीब 11,54,00,000 की गड़बड़ी पाई गई है। वहीं सबसे अधिक गड़बड़ी फैक्ट्रियां, ट्रेडर्स और सेवा क्षेत्र के उद्यमियों के
यहाँ हुई सर्वे में मिली है। सीजीएसटी के कमिश्नर यशोवर्धन पाठक ने बीते दिनों बताया कि 11 करोड़ 54 लाख की गड़बड़ी में 3 करोड़ 28 लाख जमा कर लिया गया है। वहीं संबंधित लोगों से कहा गया है कि अपनी कमी को दूर करते हुए टैक्स का पैसा जमा कर दें। ऐसे लोग अगर टैक्स का पैसा जमा नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। एयरपोर्ट के विकास और विस्तार मामले में हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। राजधानी पटना सहित बिहार के अन्य एयरपोर्ट के विस्तार और विकास के मामले पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। एयरपोर्ट के विस्तार और विकास के मामले वाली याचिका पर पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय खरोल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बिहार के विभिन्न हवाई अड्डों के विकास और विस्तार से जुड़ी समस्याओं को पेश किया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य के हवाई अड्डों की समस्याओं के मामले में आज की सुनवाई में केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया था। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मामले में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार हवाई अड्डे के विकास और विस्तार में क्या दलीलें पेश करती है। इन 148 योजनाओं में नाबार्ड कर रहा बिहार सरकार की मदद। सरकार की जनजीवन हरियाली योजना में नाबार्ड सहयोग करने जा रहा है। इसके तहत नाबार्ड करीब 19 जिलों के लिए 158 करोड़ का सहयोग राज्य सरकार को देने जा रहा है। इन जिलों में कुल 148 योजनाएं संचालित होंगी, जिसमें सतही सिंचाई योजना और हर खेत सिंचाई का पानी जैसी योजनाएं शामिल हैं। फिलहाल 52 करोड़ का आवंटन किया जा चुका है। विभाग ने क्षेत्रीय इंजीनियर को इसके लिए विशेष टास्क सौंपा है। इसमें सतही सिंचाई योजना की 139 योजनाएं शामिल हैं। इन पर 143 करोड़ खर्च होंगे। तत्काल 45 करोड़ आवंटित किया जा चुका है। विभाग का मानना है कि इन योजनाओं के पूरा होने के बाद सिंचाई के बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे और भूगर्भ जल रिचार्ज होगा। इन इलाकों के लिए मौसम विभाग का वज्रपात को लेकर अलर्ट। बिहार के कई हिस्सों में अक्टूबर के महीने में भी बारिश हो रही है। एक और जहां मानसून के महीने में बिहार ने पर्याप्त से कम बारिश होने का रिकॉर्ड बनाया, वहीं दूसरी ओर पोस्ट मानसून में जमकर हो रही बारिश ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और देश के पूर्वी हिस्से से लेकर दक्षिणी हिस्से तक बारिश ऐसा कहर बरपा रही है कि अक्टूबर के महीने में जून जुलाई और अगस्त जैसा मंजर नजर आने लगा है। वहीं नेपाल की तराई क्षेत्रों में भी हो रही आफत की बारिश की वजह से बिहार के उत्तरी भाग के जिले बाढ़ ग्रसित हो गए हैं। वहीं आज के लिए मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण भागों के लिए एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई है। थानों में अब नहीं होगी गाड़ियों की कमी। बिहार के पुलिस थानों में गाड़ियों की कमी अब दूर होगी, क्योंकि जिस भी थाने में गाड़ियों की किल्लत है वहां किराए पर गाड़ियां ली जाएंगी। दरअसल डीजीपी एस के सिंघल ने पुलिस थानों को जरूरत के अनुसार किराए पर गाड़ी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने हर थाने को कम से कम 2 वाहन सुनिश्चित कराने को कहा है, जिसका इस्तेमाल विधि व्यवस्था तथा अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बनी एंटी लीकर टास्क फोर्स के द्वारा किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्षेत्रीय और जिलों के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में डीजीपी ने कई अन्य दिशा निर्देश भी दिए। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 78 दिन के बोनस की मिली मंजूरी। दिवाली छठ जैसे बड़े त्योहारों से पहले रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का यानी कि लगभग 1.5 महीने का बोनस रेलवे कर्मचारियों को दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है। यह देश के नॉन गजटेड रेलवे कर्मचारी यानी कि आरपीएफ या आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर कवर करता है। इस नए फैसले से करीब 12 लाख नॉन गजटेड रेलवे कर्मचारियों को फायदा होने की संभावना है। सेफई पहुंचकर नीतीश कुमार ने मुलायम सिंह को दिया श्रद्धांजलि। समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सोमवार 10 अक्टूबर को दिल्ली के मेदांता में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बीते दिन 12 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सैफई पहुंचे। यहां उन्होंने मुलायम सिंह जी की तस्वीर के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की। करीब 20 मिनट तक कोठी में नीतीश कुमार रुके और अखिलेश यादव के साथ जमीन पर ही बैठकर बातें करते रहे। जाते जाते वे मुलायम सिंह की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर रुक गए। इसके बाद फिर वो बिहार के लिए रवाना हो गए। सीएम नीतीश ने संजय जायसवाल को पहचानने से किया इनकार, तो भाजपा ने दिखाई आईना।
जदयू का एनडीए से अलग होने के बाद भाजपा और जदयू में जुबानी जंग जारी है। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पुराने वीडियो के साथ नीतीश को रिकॉर्ड प्लेयर बताया जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उनसे बिहार बीजेपी अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए वीडियो पर पूछा गया तो उन्होंने संजय जायसवाल को जानने से ही इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि ई कौन है, किन के बारे में कह रहे हैं। इसके बाद बिहार भाजपा सोशल मीडिया प्रमुख ने लिखा कि सीएम साहब भूल गए हैं कि जब राजद वाले उन्हें अभद्र विशेषणों से नवाजते थे तब यही डॉक्टर संजय जायसवाल उनके साथ खड़े थे, उन्हीं के कारण तीन नंबर पर आकर भी सीएम की कुर्सी का सुख भोग रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि एक बार साथ खड़े हों आपकी गरीबी दूर होगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जनसुराज पदयात्रा पर हैं। इस दौरान वो जनता से मिल रहे हैं और उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं। इस बीच मैनाटाट के बस्ता में चल रहे एक कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने जनता को संबोधित करते हुए एक बड़ी अपील की। प्रशांत किशोर बोले कि आप लोग नीतीश, लालू या मोदी किसी के नाम पर वोट मत डालिए, बल्कि बिहार के बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट कीजिए। नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम गांधी जी का फोटो लेकर चले हैं, याद रखिए गांधी के सामने समाज खड़ा हो गया तो देश आजाद हो गया। आप लोग फिर से गांधी के साथ एक बार खड़े हों आपकी गरीबी दूर होगी। तेजस्वी यादव की मामी इंदिरा यादव ने दाखिल किया नामांकन। बिहार के दो विधानसभा सीट गोपालगंज और मोकामा में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान बीते दिन गोपालगंज 101 विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी इंदिरा यादव ने सदर एसडीएम सह आरओ प्रदीप कुमार के समक्ष अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। इंदिरा यादव ने जनता से वोट देने और अधूरे कामों को पूरा करने का अवसर मांगा है। बता दें कि इंदिरा यादव गोपालगंज के पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव की पत्नी है, जो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मामी भी हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए इंदिरा यादव ने कहा कि उनकी लड़ाई भाजपा से है और जीत सुनिश्चित होगी। सीएम नीतीश द्वारा पीएम पर दिए गए बयान से गरमाई सियासत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। बिहार भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक परजीवी बताया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार के बयान पर पूछा है कि जयप्रकाश नारायण फांसीवाद थे क्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाल के एक बयान जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए पूछा था कि वे पहले क्या थे, इस पर निखिल आनंद ने ट्वीट कर लिखा कि आजीवन कन्हैया पिठैया चढ़ने वाले राजनीतिक परजीवी भी प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि वे क्या थे। निखिल आनंद ने लिखा है कि नीतीश कुमार ने कभी अपने बूते सरकार बनाया तथा खुद 1977 व 1980 में चुनाव हार गए थे। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान का बड़ा बयान, भारतीय गेंदबाजों के पास पेस ही नहीं था। भारतीय टीम की गेंदबाजी हाल में एक बड़ी समस्या बन गई है। हाल ऐसा है कि टीम 200 के आंकड़े को भी डिफेंड नहीं कर पा रही है। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज सलमान बट ने भारतीय टीम की गेंदबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सलमान बट ने कहा कि पहले गेंदबाजी ऐसी होती थी कि पाकिस्तान के बल्लेबाज बिना हेलमेट पहने खेलते थे। दरअसल सलमान बट से जब यह पूछा गया कि क्यों वह एशियन कंडीशन में बतौर ओपनिंग बल्लेबाज सफल नहीं हुए, बट ने इस सवाल के जवाब में क्रिकवत से बात करते हुए कहा कि पहले इंडिया की बॉलिंग थी उसमें सईद अनवर और आमिर सोहेल जब ओपनिंग करने जाते थे तो वह हेलमेट नहीं पहनते थे, टोपियां पहनकर उनको मार रहे होते थे क्योंकि उस समय पेस नहीं था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार 1999 में भारत के प्रधानमंत्री बने। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 के सितंबर माह के बाद से बिना वसीयतनामा वाले हिंदू परिवारों के पैतृक संपत्ति के बंटवारे में किसी महिला या लड़की का परिवार के पुरुष सदस्य के बराबर हिस्सा मिलने का निर्णय दिया। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 2013 को भगदड़ से 109 लोगों की मौत हुई। मुगल बादशाह अकबर का सिंध के अमरकोट में 1542 को जन्म हुआ। प्रख्यात विधिवेता प्रमुख संसदीय नेता तथा महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी भूला भाई देसाई का जन्म 1877 में हुआ। भारत के क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान सीके नायडू का जन्म 1895 में हुआ। भारतीय अभिनेता अशोक कुमार का जन्म 1911 में हुआ। सूफी भक्ति संगीत और कव्वाली के प्रसिद्ध गायक नुसरत फतेह अली खान का जन्म 1948 में हुआ। भारतीय गायक किशोर कुमार का निधन 1987 में हुआ। फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ियों में से एक जर्नैल सिंह का निधन 2000 में हुआ। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री निरूपा रॉय का निधन 2004 में हुआ।
वायरल खबर में आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी देने वाली वेबसाइट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बेरोजगारों को दिए जा रहे सरकारी नौकरी के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में बताया कि भारतीय मिशन रोजगार योजना नाम की एक वेबसाइट बेरोजगारों को 1,280 रुपये के आवेदन शुल्क के बदले सरकारी नौकरी दिलाने का दावा कर रही है। पीआईबी ने यह भी लिखा है कि यह वेबसाइट फर्जी है, भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है, ऐसी धोखाधड़ी से सावधान रहें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अविनाश कुमार, अमन राज, नुनू कुमार, अतीक खान, शशन शर्मा, सरिता पासवान, ललन गुप्ता, अली हसन, गोविंद गुप्ता, कुलदीप कुमार, गौरव कुमार, कविता कुमारी, गोपाल कुमार, पंकज कुमार, कृष्ण मुरारी यादव और कृष्ण मेहता। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है या नहीं। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।